जय माता दी बोल जी। जय माता दी बोलो बेटा। गुरु जी, मुझे रोज रात को जैसे 5 बजे सबन दोष होता है। हाँ अच्छा, मतलब तुम्हारा भी रेप हो रहा है, जी। तलाक करवानी है? तलाक जी, करवानी है? तलाक ही करवा दो गुरु जी, पता नहीं कब से चल रहा है। मेरी तो सारी हड्डियां भी दुखने लग गई हैं। क्या है करोगे, जिन्नी पालोगे तो ऐसा ही होगा ना बेटा। मुझे जिन्नी तो निकाली है, पता नहीं कहां से पल गई। पल गई क्या साले, जाके अकेले अकेले लाइन मार लेते हो, वहां जाते हो, देखते हो, सपना देखते हो, दुनियादारी करते हो, रास्ते में जाके कहीं भी मौत होगी तो पकड़ेगी ना। क्या पता गुरु जी, अब ऐसे हमें क्या पता काम जिन्नी थी, हमने क्या देख के और एक एक जगह तूने मुता था, देख पेशाब किया था, तू जा रहा था, ठीक है, जा रहा था झाड़ के जस्ट लेफ्ट साइड में जाके झाड़ के पीछे खड़े होके पेशाब कर रहा था, रोड से लेफ्ट साइड में था, मोटा सा झाड़ था, पेड़। पानी फिर गुरु जी का भी कर दिया होगा, ध्यान नहीं है। ध्यान का ही नहीं है वो, ये ध्यान नहीं है, जब पेशाब कर रहा था तो तेरा मुंडी ऐसा अचानक हो गया था। अच्छा गुरु जी, ऐसा मुंडी तो मेरा बहुत बार होता है, दिन में भी कई बार होता है जब अरे पेशाब करता हूँ। पहले नहीं होता था, अब हुआ रहा है। अच्छा जी, जब पहले घुसी थी तेरे यहाँ कंधे से घुसी थी, जब ही सब छन सुना गया था, तू बोला क्या हो रहा है यार ये। अच्छा, पता नहीं गुरु जी, मेरे तो सारे दिन पर रोंगटे भी खड़े होते रहते हैं, दिन में पता नहीं कितनी बार, शरीर के, गाल के, हाथ के। जिन्नी है ना, शादी हो गई तुम्हारी? शादी हो गई है गुरु जी, 2 बच्चे भी हैं। हाँ तो मुबारकबाद बोल दो तुम्हारी बीवी को कि तुम्हारी सौतन साथ में है। कल घरवाली ने फोन उठाया था, मैं 2 मिनट के लिए चला गया था, उतने में कॉल आया था। बात करा उससे। चलो गुरु जी कर लो। जय माता की गुरु। जय माता दी। मैं बोला देख लो तुम्हारी सौतन साथ में है उसके। अरे क्या, हाँ अरे हम तो गुरु जी बड़े मजबूर हैं, क्या करें, हमारी तो आप जान में आ गई है। क्या जान आफत में आ गई है, कुछ करो, कोई हल हलने के लिए नहीं रहा, कोई सोचते हैं, कोई काम पूरा नहीं होता है, पहले बिगड़ जाता है। चलो ठीक है, हम कर देते, सब लोग नींबू ले लो, सब लोग अपने अपने हाथ में नींबू ले लो और मोबाइल नीचे रखो और एक जगह बैठो, सब लोग नींबू जायफल ले लो सब लोग। अच्छा गुरु जी, जायफल तो 3-4 ही है हमारे पास। कोई बात नहीं, तो कितने लोग हो? हम 6 लोग हैं यहाँ पर। कोई बात नहीं, तो आपकी बीवी दे दो, तुम्हें दे दो, एक कोई मेन आदमी होगा उसे दे दो, बाकी सबको नींबू पकड़ा दो। अच्छा गुरु जी, पकड़ो पकड़ा गुरु। अरे पकड़ ले। चलो नाम बताओ अपना, तो माता पिता का। अच्छा तुम्हारे मैडम का क्या नाम है? चलो ठीक है। और ये भाई भी है छोटे छोटे 4, वो भी सब तंग ही रहते हैं गुरु जी, सारी फैमिली का ही नाश हो गया। कहाँ से हो इस समय? अभी गुरु जी खिदराबाद है, ये रोपड़ पंजाब में है। अच्छा हाँ, यहाँ किराए पे रहते हैं, काम भी कर यही काम करते हैं गुरु जी। रहने वाले कहाँ से हो? रहने वाले गुरु जी यू। तुम्हारा जो गांव है, जो गांव जो है। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। रोड से सीधा जाते गांव के बीचों बीच से रोड चले गया है ना? हाँ, गांव के बीचों बीच से चला गया, उसके चौराहा है, मतलब चौक है, उसके चारों पास से बना हुआ है गांव, एक साइड ज्यादा है, 2 साइड। तुम्हारा रास्ते से लेफ्ट साइड में घर है? लेफ्ट साइड में पड़ता है, गली से जाएंगे जब।
चलिए भैया जाइए, सर को रख लो निम्बू। ओ मैं चामुंडा जाइए भैया। बम ब्रम बम ब्रम बम ब्रम बम ब्रम है क्षेत्रपाल जी, जाइए डबल रूम लेके जाइए भैया, इसे घर में चले जाइए और यहाँ जहाँ है ये लोग यहाँ पर भी चले जाइए, जाइए। ओम सब क्षेत्र सब क्षेत्र पाल सब क्षेत्र। अपने वाइफ को बोलो बाल खोल देंगे, बाल खोल देंगे। गुरु जी मैंने 4 साल एक मेरे चाचा भगत है वो पूजा करता, उसकी 4 साल सेवा करी थी, उसका कोई असर मेरे ऊपर आते रोंगटे मेरे सब खड़े हो जाते हैं, कोई खेल देता है उत्पात वाला तो लगता है इसे हटाओ और बैठ जाओ। कोई बात नहीं, अभी हम सबको हटा के बैठ जाएंगे, टेंशन मत लो। फिर चलिए भैया रिंकल अपना ये क्लियर कर लीजिए, अपने गेट के सामने वाला सबको उठा उठा के इधर लाना है, बम ब्रम कर बम ब्रम बम ब्रम कर। चलिए इसे घर की पितृ और कुल देवियां और लक्ष्मी बंधन की गई है माते मातेश्वरी, तो वो भी खोल दिया जाए। हो रहा अब है भैया आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से इनके फैमिली के ऊपर जितने भी तंत्र लगे हैं उस तंत्रों के बंधनों को कट करना है, तंत्रों को कट करना है, घर के अंदर से जो लगे हैं तंत्र घर के हर एक कोनों से कट करना है। सारे तंत्रों को इस हवे ग्रुप में लेकर आइए, अपने गेट के सामने जो रिंकल वहां पे लेके आइए, उठा लीजिए माते, कट कर दीजिएगा आकाश पाताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से, एक भी कीड़े मकोड़े ना रह पाए इसके पास, काटिए भैया। आप जन्नी आना चाहती है तो आजा, हम छोड़ने वाले में से नहीं है रे बेटा, हम तलाक कराने आए हैं, हम एडवोकेट और मास्टर हैं। चल कोई बात नहीं, ले लो भैया झपट्टा मार दो साले को, अब सबके शरीर को फिर करते हैं। अब हे वीरभद्र भैया सब सारी चीजें समेटिए वहां से, आप माँ मारुके माते अपना काम रुको मुखिया माते जाइए माते, जिन्हें इसे अंदर से दबोच के उखाड़ दो उसे सेने से निकाल लो उसे माता, जाइए माता। अब श्री काम ऋषि काम ऋषि काम ऋषि काम ऋषि काम ऋषि अब श्री काम ऋषि काम ऋषि काम ऋषि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खींच लो उसे माते, खेलवाना नहीं है हमें, उखाड़ दीजिए पूरी तरह से। हाँ माता अपने साथ ही लगी जाएगी, अब हे माता पूरा साफ करें घर से लेके हे मां महिषासुर मर्दिनी चंडी वीर मसानी मैराड़ी आसु महारानी माते, अपने अपने तंत्रों को उठा लीजिए माते, आप राधा मोहिनी चाहिए हम पिता पेट से रहने वाली स्थिति देख रहा हूँ पीठ पे हम पहले आवाज कर दिए ब्रह्म पिछा से हो शेष रहा उसे आप शरीर में घुसा इसे घर पे जाओ सब कुछ जमा के काम करो। हम चलो हटाओ निब्बू खड़े होकर चेक करो कैसा लग रहा है, काट दिया मैंने हल्का नहीं लगेगा। हाँ गुरु जी फिर बड़े परेशान था मैं तो बैठ ही नहीं पाता कमर से इतना दुख होता, सारे दिन काम होता है मूंगफली का साफ करने का, मूंगफली का काम है और फास्ट फूड का काम है, रेडी पे जाते ही पेट में दर्द होने शुरू हो जाता था, काम करने को मन ही नहीं करता। सबको पूछ लो सबका शरीर हल्का हो गया, तुम्हारे मैडम का भी शरीर हल्का हो गया।
हाँ मैडम भी रात में पता नहीं बर्राते हैं क्या क्या, कुछ कुछ बर्राते रहते हैं। अरे काट दिया बेटा, काट दिया सर। सभी लड़के दोनों, मेरे भाई दोनों ये रहते हुए रेडी पे, ये हर दिन बुखार दवाई चलती रहती है, 4-5 महीने हो गए दवाई नहीं खत्म हो रही घर में से किसी का, जब से ये दोनों आए जब से बीमार है। चलो ठीक है, आपका आपका एक निम्बू ओम श्री कामरू कमाख्या माता नमः करके उतारा कर लेना 7 बार। दूसरा निम्बू बम बम भैरवाश्रम क्षेत्र पालाय नमः करके उतारा करो, सबको बम बम भैरवाश्रम क्षेत्र पालाय करके उतारा करो 7-7 बार, ठीक है? हाँ जब अभी सुनो सुनो मेरी बात, अभी मैं कट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, क्योंकि बहुत सारा बात करना है मुझे सभी से। तो अभी सब ठीक हो गया है, उतारा करके रास्ते पे जाके काटना 4 टुकड़ा, काट के फेंकना, ठीक है? चलो जय माता दी।